हार्दिक जो है इसका रंग क्या थोड़ा साफ है ना, तो पता नहीं एक भाई जो था वो बोल रहा था कि ये रशियन है। तो दोस्तों इस कहानी का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मैं गया था आबू, और आबू में मॉनसून के कारण बहुत ब्यूटीफुल झरने आ रखे थे। तो उन्हीं झरने को एक्सप्लोर करने के लिए मैं अपने दोस्तों को लेकर निकल जाता हूँ उन्हीं झरनों में नहाने के लिए। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिलहाल के लिए टाइम कुछ हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है भाई? 12:30। गुड मॉर्निंग तो नहीं हुई, गुड आफ्टरनून हुई। आ गए तुम? कैसे बहुत लेट करा है। सो गाइस मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मेरे फ्रेंड फैजल खान से। इसको तो आप जानते होंगे, मद्रासी मूवी का हीरो रहता है, साउथ इंडिया से है। बिहाइंड वी हैव टैंगो चार्ली और हार्दिक हार्दिक शर्मा। हार्दिक आज पहली बार हमारे साथ में जा रहा है, और सोजफ को भी जानते हो, फैजल का भाई। फिलहाल के लिए हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग जाने वाले हैं ऋषिकेश में, वहाँ पे झरने वगैरह आ रखे हैं। मुझे एक टेंशन और लेनी है ना एक टेंशन और लेनी है आपको, वो टेंशन थोड़ी देर में आने। हम जिस टेंशन की बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो टेंशन आई नहीं, और वो टेंशन कौन है वो ये व्लॉग देख के खुद ही समझ जाएगा। फोन काट दिया। क्या बोल रहा है वो? नहीं आ रहा, तुम आप लोग निकल जाओ। बिल्कुल आप जा सकते हैं। मत आना अब, तो अगर व्लॉग देख रहा है ना तो कभी मत आना। तू ऐसे टेंशन है। यू आर नॉट इनवाइटेड। या यू आर नॉट इनवाइटेड। ऐसा ही है आदमी हमारा। तो ऋषिकेश का प्लान बना के हम चले ही होते हैं कि हार्दिक हमें एक नई जगह इंट्रोड्यूस करता है। हार्दिक हमें एक और जगह बता रहा है, क्या नाम है भाई उसका? भावनगर। भावनगर भाई नाले में नहीं जाएंगे? झरना है, झरना। नहीं नहीं नाले वाले में नहीं जाएंगे, छोटी गंगा वाले भाई नाले में फिर आदमी जाते। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। हम जाएंगे तो भी अच्छी जगह ही जाएंगे, ऋषिकेश में देख के आएंगे, पसंद नहीं आएगा तो वापस आ जाएंगे। कौन से रास्ते पे है ये? माउंट रोड पे है। माउंट चढ़ानी पड़ेगी क्या आज? संडे भाई, आज क्राउड अच्छा मिलेगा। सिक्स पैक एब्स दिखाने का मौका मिलेगा मुझे अपने। तेरे हैं स्मार्ट तो मैं हुई भाई एकदम मद्रासी। ए मां समझा है का? तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड लेवल पे जो ब्रह्मा कुमारी चल रही है उसी का हेडक्वार्टर आबू रोड में ही है। पहले ये माउंट आबू में हुआ करता था, लेकिन वहां से शिफ्ट हो गया, अभी इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे आबू रोड में आ गया। जो भी इस संस्था से एफिलेटेड है वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं, और इसी की वजह से एक माउंट आबू का थोड़ा जो टूरिज्म है वो स्पिरिचुअल काइंड ऑफ हो जाता है यहाँ पे। एनीवेज सॉरी बड़ी, लेट मी करेक्ट यू बड़ी, इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में, आबू रोड में ना है अभी नहीं है। चट लगानी है? हाँ। सोजफ आबू रोड में। अरे तू क्या गूगल इन्फॉर्मेशन आ रही है पीछे से भाई। सर्च कर एक बार। माउंट आबू है ना? बस जीत गया 100 रुपए में। अब ये ब्लॉग में आएगी ये चीज भाई। बोलो अपन गलत सीन कर रहे हैं का? ये यहाँ जाके ट्रैफिक आते वक्त कितना होगा? ना ना कोई दिक्कत नहीं, आज जरा सा ऊपर चढ़ते ही है, ऐसा वो नहीं है। 5 मिनट का रास्ता अगर अरे नहीं तेरे साले अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा भीड़ में अटक गए ना तेरे को बाहर नाला में फेंक दूंगा। अच्छा वाला बढ़िया ऋषिकेश में जाके चिल कर रहे थे, प्राकृतिक आनंद ले रहे थे। ये देख गाइस फिलहाल के लिए हम ये भाई की जो जगह है वहाँ पे पहुंच चुके हैं, एंड आज ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा ही है जगुआर, और ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण लगता है जाने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट फिलहाल हम उसके बारे में नहीं सोच रहे और अब हम मजे करने वाले हैं। अब भाई जगह अच्छी तो होगी ना? भाई बारह नाला हम क्या बाघा नाला बाघ नाला बाघ तो कब से हमको बारह नाला क्यों बुलवा रहा है? क्या हुआ? तो गाइस ये जो जगह है हार्दिक की, मतलब मैं तो कभी आया नहीं हूँ बट लग तो बहुत बढ़िया रही है, क्योंकि एकदम जंगल के बीच में हम लोग आ रखे। भाई भाग भाग तो नहीं आते ना? बिल्कुल आते भाई, यहाँ पानी पीना आता है। मैं तो कह ही रहा था स्विमिंग पूल चलते हैं भाई, तुम्हें रिस्क लेना है। तो दोस्तों जैसे तैसे करके हार्दिक के बताए इस जगह पे हम पहुंच तो जाते, और सच कहूं तो यहां से व्यू भी बड़ा प्यारा था, लेकिन आज हम आए थे नहाने के मूड से, जो यहां पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, और इसलिए मेरी निगाहें ढूंढती है उस इंसान को जो हमें यहाँ पे बहला फुसला के लेके आया था। गाइस हम आप मैं पहले आपको ये जगह दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे काफी सारे ऑलरेडी लोग हैं। अब मुझे ये बता इतने सारे लोगों में बाघ कब पीने आता होगा इधर? तो ऊपर भी भाई बहुत बहुत पागल बनाया भाई, भाई। फिर हमने सोचा कि छोड़ो यार इतना आ ही गए तो फिर एंजॉय भी कर ही लेते हैं।
भाई जगह तो अच्छी है लेकिन पानी ज़्यादा नहीं है और साथ ही साथ में लोग भी बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि उसी ट्रैफिक में वापस जाके हम ऋषिकेश जाए जो ओरिजिनली हमारा प्लान था, क्योंकि हमें नहाना है और यहाँ हम नहा नहीं सकते। चलते ऋषिकेश, नहाने का है ही नहीं। खुश हो गया तू? खुश हो गया तू? खुश हो गया तू? ठंड पड़ गई तेरे को? एक घंटे से पहले हम ऋषिकेश पहुंच नहीं पाएंगे भाई, ओवरटेक मारेंगे राइट साइड से। वो आया हुआ है पता है, वो पहले उसको पता था। नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, ऋषिकेश में जाने का ट्राई करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अभी तक शायद क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जिस जगह जा रहे थे उसका नाम था ऋषिकेश, उत्तराखंड वाला नहीं, हमारे आबू रोड वाला, जहाँ पर बचपन से अभी तक न जाने कितनी बार मैं गया, और सिर्फ गया ही नहीं हूँ, सालों पहले उसका व्लॉग भी बना रखा है। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको चेकआउट जरूर करना, और हाँ जज मत करना, जो आज का दिन चूज किया है वही खराब है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। फिलहाल हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, एंड इफ यू रिमेम्बर तो मैंने यहाँ पे बहुत पहले मेरी कॉलेज लाइफ में मैंने यहाँ पे व्लॉग भी करा। ये वही टेंपल है जहाँ पे मैंने ऋषिकेश का व्लॉग किया था। अब हम तेरे को लेके जाते हैं, हम तेरे को जगह दिखाते हैं कौन सी जगह होती है। हाँ भाई वहाँ कम भीड़ है, चलते उस साइड में ऐसे ही। तो दोस्तों एक छोटा सा क्रॉस हम पार कर ही रहे होते हैं कि अचानक हमें दिखता है ये वाला नजारा, जिसे देख के फैजल बड़ा एक्साइटेड हो जाता है और बाहुबली की तरह चल पड़ता है। और चंद मिनटों बाद मैं भी चल पड़ता हूँ। और फिर उसके बाद मुझे मिलता है एक नायाब पत्थर। भाई भाई देख, मैंने ऑनिक सुन और देख कितना गोरा लग रहा है यार। नहा के बाद निकले ही होते कि हार्दिक अपना टैलेंट दिखाता है, और उसका टैलेंट थोड़ा सेलिब्रिटी लोगों से मिलता जुलता है। तो अब आप सोचोगे कि वो कैसे, तो देखो भाई ये है बाबा रामदेव और इनका टैलेंट है ये, और ये भी सिमिलरली ये है बाबा हार्दिक और इनका टैलेंट है ये। ये सब चल ही रहा होता है कि इस बंदे को लगता है कि हार्दिक रशियन है, और इसीलिए ये बंदा हार्दिक को कहता है कि अपना एक्सपीरियंस बताओ अपने एक्सेंट में। वो क्रिश्चियन नहीं है ब्रो, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो अपना हिंदू है, शर्मा है, हार्दिक नाम है उसका। सीरियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मजा है, मतलब एक्चुअल में क्या है ये नेचुरल है, पानी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लीन है। नहाते नहाते यहाँ पे करीबन 2 घंटे हो चुके हैं, हमने बहुत सारे स्टंट्स किए, बहुत मजा आया, एंड सीरियसली मतलब वर्थ इट था। तो गाइस फिलहाल का प्लान हमारा ऐसा है कि बहुत नहा लिए, अभी घर जाना पड़ेगा क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी। फिलहाल हम लोग गीले हैं और अब हम जा रहे हैं वापस बैक टू अवर हाउसेस। भाई हार्दिक वो अलग ही प्रजाति थी। हाँ भाई गाइस हार्दिक जो है इसका रंग क्या अब थोड़ा साफ है ना, तो पता नहीं एक भाई जो था वो बोल रहा था कि ये रशियन है। सही में रशियन बोला था। हाँ फिर मैंने इसका नाम पता क्या बताया, मैंने इसका नाम बताया रमेश जॉन। रमेश जॉन फिर बोला आपका बेटा है भाई। गाइस बहुत मजा आ गया, फिलहाल हम जंगल लिटरली जंगलों के बीच में है ये जगह। तो ये थी दोस्तों हार्दिक के मार्गदर्शन में ऋषिकेश के झरनों की कहानी। कहानी इतनी फनी एडवेंचरस और थ्रिल से भरी होगी ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, एंड इसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री हार्दिक सहस्र बुद्धि मतलब हार्दिक शर्मा। तो फाइनली इस जंगल को छोड़ के हम थोड़ा बाहर आ चुके हैं, और ये पूरा जंगल है, और इसी जंगल के बीच में भाई तू कपड़े तो पहन ले हार्दिक। मुझे ना भाई भाई कपड़े चेंज कर रहा है।
कर ले ये भी कर। सुन नहीं की अभी पहुंच रहा है वो। ओ भाई इसका पहुंचने वाला सीन देख भाई, पेट हिला ना। एंड फाइनली गाइस हार्दिक ने कपड़े चेंज कर लिए। तो यही था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, जिसमें हमने बेसिकली बताया कि ऋषिकेश कैसा है और ऋषिकेश में अभी घूमने आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी निखिल राव चैनल। फिर ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ऐसे किसी नेक्स्ट जगह पे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। सीरियस है हार्दिक भाई? हाँ भाई, आज तो बोल दिया, आइंदा किसी को बोल मत दियो। ये हमने रिग्रेट किया है, पहले ही हो चुका था। और अभी हम जा रहे हैं जो ओरिजिनली जो हम सोच रहे थे जाने के लिए ऋषिकेश, लेकिन क्या हुआ ना, हम निकले थे ना तो हमने एक बंदे को लिया, उसने हमारा दिमाग भटका दिया। तो हम आ गए एक बारह नाले में, और सच में नाले था वो। ये रिक्रिएट भी इसलिए हो रहा है कि हम इसका मनोबल तोड़ सके ताकि आगे और सजेस्ट ना करें। और इसके हिसाब से वहां पे बाघ पानी पीने आता है। वहाँ तो बाघ के लायक पानी तो था पीने लायक, वहाँ बाघ का तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर जाके पानी पीता है उधर।